नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे का चला दाव। जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने किया था प्रचार, उनमें से 9 पर मिली जीत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे हरियाणा चुनाव में जीते 3 निर्दलीय विधायक। यूपी उपचुनाव, समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव तो जीत गए, बदले उमर अब्दुल्ला को मिला काटो भरा ताज। हरियाणा की 14 सीटों पर वोट कटवा से हारी कांग्रेस, 5 पर तो आम आदमी पार्टी ने ही डुबोई लुटिया। भारत के चुनाव पर पाकिस्तान में हो रही पीएम मोदी की वाहवाही। भाजपा ने हारी हुई लड़ाई जीती, संजय राउत ने भगवा पार्टी को सराहा। टीएमसी सांसद बोले कांग्रेस अहंकारी है। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह नायब सिंह सैनी ने बताई। इमरान खान की पार्टी के विरोध प्रदर्शन से 24 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का प्रतापगढ़ के पास एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती। दिग्गज मलयालम अभिनेता टीपी माधवन का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले संजय सिंह, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को तो कुछ समझते ही नहीं। चुनावी नतीजों से भाजपा उत्साहित, खड़गे बोले तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी है। ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। महाराष्ट्र में विकास तेज हुआ, हमने मराठी भाषा को नई पहचान दी, पीएम मोदी का बयान। अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है जॉन अब्राहम, शर्वरी की वेदा। बिग बॉस के घर में बंद गधा, देखकर सलमान खान को पेटा ने लिखा लेटर, बंद करो ये मनोरंजन। बिग बॉस में जाकर बुरा फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। ग्लोबल शतरंज लीग फाइनल से एक जीत दूर पीबीजी अलास्कन नाइट्स। बांग्लादेश की आज दिल्ली में होगी फजीहत, सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।